हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इट इज़ जॉब्स इन्फो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें कैनरा बैंक की, जिन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 800 प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती होनी है। तो कैसे अभी आवेदन को भरेंगे, क्या क्वालिफिकेशन, कितनी फीस आपको पे करनी होगी, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें जो डिटेल है दोस्तों, कैनरा बैंक 800 प्रोबेशनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2018, इसमें आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें जो SC ST OBC और अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीटें हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं SC की 120 है, ST की 60, OBC की 216 और अनरिजर्व कैटेगरी की जो पोस्ट है वो 404 है। तो टोटल 800 इसमें पोस्ट रहेगी। एज की हम बात करें तो उसके अंदर मिनिमम 20 साल की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए, या फिर कह लो कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/10/1988 से पहले का ना हो और 1/10/1998 के बाद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा वो 3 साल का OBC कैंडिडेट के लिए और 5 साल का SC कैंडिडेट के में एज में रिलैक्सेशन अपर एज में दिया जाएगा। उसके बाद सैलरी जो उसके अंदर पे की जाएगी दोस्तों वो 23,700 से लेकर 42,020 तक इसमें सैलरी आपको दी जाएगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री, मिनिमम 60% मार्क्स और इसमें जो 55% जो मार्क्स रहेंगे दोस्तों वो SC ST PWD कैंडिडेट्स वालों के लिए मैक्सिमम इसमें जो मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम वो 55% होने चाहिए। और इसमें जो फीस आपको पे करनी है सभी कैटेगरी के लिए 708 रुपये रहेगी। इन जो उसमें जो GST है वो 18% इंक्लूडेड है और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 118 रुपये इंक्लूड GST 18%। मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा वो ऑनलाइन मोड से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया दोस्तों, उसके लिए आप देख सकते हैं इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे कि आप ये नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सके। इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 ऑन सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ स्पेशली डिजाइन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस PGDBF कोर्स। अगर आपने PGDBF कोर्स किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अभी। इसके बाद आप इस नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सब आप देख सकते हैं। 23/10/2018 से लेकर 13/11/2018 तक इसमें आप अपना आवेदन कर सकते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो रहेगी वो 23/12/2018 इसकी ऑनलाइन टेस्ट का जो डेट है। इसमें नोटिफिकेशन का दोस्तों आप पहले अच्छी तरह से रीड करें और उसके बाद ही अपना जो आवेदन है वो करें। बात करते हैं आवेदन कैसे करना है, तो आप इनकी जो ऑफिशियल साइट है बात करते हैं आपका जो आवेदन है वो कैसे करना है। तो इसके लिए इनकी जो ऑफिशियल साइट है दोस्तों IBPSonline.IBPS.in, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको उसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। अगर पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चा दिया हुआ है तो ये डाल के सबमिट करना है और आप अपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा, जिसको यहाँ से कंटिन्यू करके इंस्ट्रक्शन जो दी वो भी आप रीड कर लें दोस्तों। इसमें सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर, थर्ड में आपको डिटेल और फोर्थ जो स्टेप रहेगा वो प्रीव्यू का और फिफ्थ स्टेप रहेगा पेमेंट का। तो आपको यहाँ से अपना जो आवेदन है वो करना है दोस्तों। इसमें जो जो फील्ड दी हुई है फॉर्म की वो आपको फिल करके इसमें नेक्स्ट एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते रहना है और आप अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ इसका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, उसके बारे में भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।